गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड लैंड्स, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4,500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना, उनको आगे आ जाने दीजिए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अब पूरा दल, पूरा हमारा दिमाग, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब सोलर पावर के सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चे बच्चों को, बच्चे भी बच्चे एफिशिएंट बनाना। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल एलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इसे महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। ओह यार, और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे रक्त के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।